अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ आईटी स्किल्स एलएलबी पार्ट टू एट द कॉलेज ऑफ लॉ नरवल। माय नेम इज़ मोहम्मद शमरेज खान एंड दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमने क्या काम करना है। अपने चौथे लेक्चर में पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट क्या है, उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंटेशन स्टाइल्स क्या है, फिर देन उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंटेशन स्टाइल में के बाद जो हमने देखा था व्यू टैब और स्लाइड शो, देन उसके बाद हमने देखा था टेबल पिक्चर। आज का जो हमारा काम है ये है क्लिप आर्ट, शेप्स और फोटो एल्बम। एक्चुअली ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये वाली ये इंसर्ट टैब के अंदर है। तो इंसर्ट टैब के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं, जो हमारे आउटलाइन में है, वो ये चीज़ें हैं, क्लिप आर्ट है, शेप्स हैं, फ़ोटो एल्बम है। तो आज वन बाय वन देखते हैं इंशाल्लाह ये क्या चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, न्यू किया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर ली। ऐसा करते हैं हमको ब्लैंक पेज, ब्लैंक स्लाइड कर लेते हैं, लेआउट में जाते हैं और ब्लैंक ले आते हैं। अच्छा, इंसर्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। पिक्चर्स में जाते हैं, कोई भी पिक्चर जो आप ब्राउज़ करते हैं तो इधर से कोई भी पिक्चर उठा के आप इंसर्ट कर देते हैं तो पिक्चर आ जाती है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि ऑनलाइन पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। दो चीज़ें हैं एक्चुअली, जो हमारा क्लिप आर्ट है ना वो इसी के अंदर होता है, ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर। तो अब आपके पास पता नहीं कौन सा वर्जन है पावर पॉइंट का, कुछ में ऑलरेडी इधर दिया हुआ होता है इंसर्ट टैब के अंदर क्लिप आर्ट का, लेकिन ये 2013 अगर किसी के पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स में जाएंगे। अगर तो आपका इंटरनेट है, लेट्स सपोज मेरे पास इंटरनेट है, मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर तो आपके पास इंटरनेट है तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स पे, ये बिंग इमेज सर्च आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर से कोई भी क्लिप आर्ट उठा सकते हैं। ये क्लिप आर्ट से बोलते हैं हम, कोई भी क्लिप आर्ट उठा सकते हैं इधर सर्च करके, जिस तरह का आपको चाहिए होता आप उठा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इंटरनेट नहीं है, पर मैं इधर से ऑफ कर देता हूँ, आप ऑफलाइन वर्क करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन पिक्चर पे, वर्क ऑफलाइन का इधर ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आपने इसके बाद करना क्या है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो आपने करना क्या है, दिस पीसी पे जाना है। जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, दिस पीसी पे जाएंगे आप, सी ड्राइव पे जाएंगे, सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इधर आपको शो हो रहा होगा क्लिप आर्ट का, ये आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और इधर आपको सारे क्लिप आर्ट्स मिल जाएंगे। इस तरह हमें पता चलता है कि क्लिप आर्ट हम कैसे ऐड करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी इधर से उठा के हम ऐड कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास क्लिप आर्ट आ गया, हम इसको पकड़ के रिसाइज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्लिप आर्ट कैसे करते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं करना चाहते हैं, जैसे कि ये है, कुछ भी आपने एडिटिंग करनी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्लिप आर्ट में, ये कोई इतना टफ काम नहीं है। एक्चुअली मकसद बताने का था कि क्लिप आर्ट आपको मिलेगा कहाँ से, कैसे आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा क्लिप आर्ट के ऊपर, तो आप कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन है उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, कोई भी जो विंडो ओपन है उसकी आपने एक पिक्चर बना लेनी है। तो आप कैसे कर सकते हैं स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर, आपके पास जब ऐसे करेंगे तो ये इस तरह आप कट करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट निकल आएगा, तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम में क्या करते हैं हम अभी देख लेते हैं।
लेट्स सपोज एक न्यू विंडो ओपन करते हैं हम इधर। अच्छा, एंड्रॉइड में जाते हैं, न्यू स्लाइड में जाते हैं, इसको ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड ओपन कर ली है, इसमें हमने देखना है कि फोटो एल्बम, फोटो कोई भी न्यू एल्बम कैसे जनरेट करते हैं आप। लेट्स सपोज एक आपकी स्लाइड है, उसमें आपने बहुत सारी इमेजेस ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन ऐड करेंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, फ़ोटो एल्बम में जाते हैं, न्यू फ़ोटो एल्बम करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना आपने, ये फाइल डिस्क, फाइल डिस्क की मुराद कि आपकी फ़ाइल जो आपकी इमेजेस हैं वो किधर पड़ी हुई हैं, पिक्चर्स आपकी, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, तो जिधर भी अब ब्राउज करके आपने सी में रखी हैं, डेस्कटॉप पे रखी हैं, डाउनलोड में रखी हैं, कहीं से भी आप उठा के इमेजेस डाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, कोई भी जैसे इमेज उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं पिक्चर्स में से, ये इमेज उठा लेते हैं, कोई भी इमेज उठा के आप ऐड कर सकते हैं, जनरली बताने का मकसद ये है। तो हम दोबारा क्या करते हैं, फोटो एल्बम, न्यू एल्बम, फाइल, हम क्लिप आर्ट वाले में चले जाते हैं, इधर से गए प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस के बाद क्लिप आर्ट, इधर से आप कुछ क्लिप आर्ट उठा लेते हैं। आप सिलेक्ट कंट्रोल एक प्रेस करके सारी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी हो सकता है, और इसके बाद हमने जितनी भी सिलेक्ट की हैं इनको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद ये देखें, ये सारी इधर आ रही हैं, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इससे पहले अगर आपके पास कोई, आपने कोई अपनी इमेज को अरेंज करना है, तो जिस फर्ज करें ये 7 नंबर की इमेज है, इसको मैंने फर्स्ट पे लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, या इसको लेके जाना है ऊपर, तो इसको ऐसे एरो को प्रेस करते जाएंगे तो ये वाली इमेज फर्स्ट पे आ जाएगी। अच्छा, ये उसके अलावा अगर आप इमेज रिमूव करना चाहते हैं, तो कोई भी, लेट्स सपोज मैं इमेज नंबर 4 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, अभी हमारे पास जो टोटल इमेजेस हैं वो 10 है, इसका हम क्रिएट कर देते हैं फोटो एल्बम। अभी ये देखें, हमारे पास ये इधर आ गई हैं, 10 इमेजेस हैं, 10 स्लाइड्स पे हैं। तो हमें ये क्या फ़ायदा होगा कि हमें वन बाय वन हर स्लाइड पर जाके इमेज ऐड नहीं करना पड़ा, हमें इजीली ऑटोमेटिकली सारी पिक्चर्स मिल गई हैं। तो अच्छा, अभी ये इधर देखें, लिखा हुआ फ़ोटो एल्बम बाय शामी, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो जिस नाम से रजिस्टर हुए पड़े हैं उसी से आपका नाम आ जाएगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि आप फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में चले जाएं, सॉरी ऑप्शन में नहीं, अकाउंट में, फिर से देख लेते हैं, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे। हाँ जी, ये देखें, ये इधर आ रहा है यूज़र नेम, तो लेट्स सपोज पहले शामी था, मैं इसको क्या कर देता हूँ, शमरेज खान, ओके करते हैं, और अभी तो ऑलरेडी जनरेट हो चुका था, तो इस तरह से आप अपना कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी जब आप फोटो एल्बम पे इंसर्ट में जाएं, फोटो एल्बम में जाएं, तो एडिट फोटो एल्बम भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने इमेजेस को, अपने एल्बम को एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जितनी भी हैं इसको ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अपडेट कर दें, ये देखें हमारी जितनी भी इमेज हैं सारी ब्लैक एंड वाइट हो गई हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि
हमारा जो फोटो एल्बम है उसको हम एक स्लाइड पे दो इमेजेस या तीन इमेजेस या जितनी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, क्लिक करेंगे एडिट फुल फोटो एल्बम, जो मतलब हमने एल्बम ऑलरेडी बनाया है उसको ही एडिट करेंगे। तो लेट्स सपोज इधर ये पूछ रहा है पिक्चर लेआउट, मतलब एक स्लाइड पे कितनी पिक्चर्स हैं, तो फर्ज करें मैं दो कर देता हूँ, मतलब टू पिक्चर्स ऑन वन स्लाइड। तो अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद ये देखें पहले क्या था, पर स्लाइड एक इमेज थी, लेकिन अभी क्या है, वन स्लाइड टू इमेजेस। इसी तरह आप तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, देख सकते हैं कि इधर आते हैं एडिट फोटो एल्बम पे, हम चाहते हैं कि ये कैप्शन भी साथ में आए, मतलब कि हर इमेज के नीचे उसका नाम भी आए। तो हम क्या करेंगे, इधर से पिक्चर ऑप्शन पे कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स को क्लिक कर देंगे और इसको अपडेट करेंगे। अभी देखिएगा ये साथ में नीचे पे इमेजेस का नाम भी आ रहा है, पहले जो कि नहीं था आ रहा। तो ये था हमारा फोटो एल्बम के मुतल्लिक। इसके बाद हम देख लेते हैं शेप्स। शेप्स के लिए हम एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, इसको लेआउट में जाके ब्लैंक के साथ ऐसे चेंज कर लेते हैं, इंसर्ट शेप। लेट्स सपोज कोई भी हम शेप उठा लें इधर से, फर्ज करें मैं ये वाली शेप उठा लेता हूँ, इसको हम इधर ले आते हैं। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का, कोई भी कलर इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कलर, या इधर आके शेप फिल में कोई भी कलर उठा सकते हैं आप। लेट्स सपोज मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा अभी क्या, ये देखिए इधर आए एडिट शेप, एडिट शेप में क्लिक करें, चेंज शेप, मतलब इसी शेप को आप किसी और शेप के साथ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम एडिट शेप में, एडिट पॉइंट्स, लेट्स सपोज जितने भी एजेस के पॉइंट्स हैं इसको हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ये देखें ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, किसी भी तरह किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके एक दो शेप उठा लेते हैं हम इधर से, और लेट्स सपोज ये शेप है, इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, इसके जो एजेस हैं उसको भी चेंज कर लेते हैं, एंड पॉइंट्स हैं। ट्राई करने से हमारी थोड़ी बहुत जो शेप है इसकी चेंज हो जाएगी। ओके और ये एक्चुअली डिज़ाइनिंग के लिए, आप किसी भी तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसमें एक और शेप डाल लेते हैं हम, इसको कलर फिल करना है आप जिस तरह का मर्जी कर लें, लेट्स सपोज येलो कर लें, येलोश लुक दे लें। ओके ये हमारी शेप्स का काम है, मतलब आपने कोई ड्राइंग वगैरह करनी है, कोई लोगो कोई बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं। ओके इसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि ये जो शेप फिल में तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसके बाद जो है शेप आउटलाइन, मतलब इसकी जो बॉर्डर है उस पर आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं येलो के ऊपर ब्लैक देता हूँ तो आपको ये शायद नज़र आ रहा हो थोड़ा बहुत, इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ताकि इसका वेट इंक्रीज कर लेते ताकि अच्छी तरह नज़र आ जाए। हाँ अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये सर्कल के अराउंड अबाउट जो ब्लैक लाइन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं शेप्स में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एक इमेज पे जो हम लोगो बना रहे हैं उस पर कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि 3D रोटेशन है, आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह इमेज ये शेप जो चेंज हो गई है, और भी बहुत सारे आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट फिल पे, टेक्स्ट फिल जिस भी कलर का आपने रखना है रख सकते हैं। लेट्स सपोज टेक्स्ट फिल का कलर हम रखते हैं ये वाला, तो आप लिखेंगे तो कलर चेंज होगा।
ये वाइट है, इसमें हमने कलर रखना है येलो। लिखेंगे तो येलोइश आ जाएगा। ये टेक्स्ट फिल का काम है, टेक्स्ट आउटलाइन इसके इसके जो इर्द गिर्द होगा उसका कलर कौन सा रखना है। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या कर सकते हैं कि आप लेट्स सपोज आपने कोई भी आपने काम करना है तो अपना लोगो का कोई नाम रखना है टेक्स्ट का, तो आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन में जाके अच्छी तरह फर्ज करें, कोई स्टाइलिश सा नेम रखना है आपने तो आप कर सकते हैं। तो अभी इसको देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जाते हैं और लेट्स सपोज इस ये वाला मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम इस तरह करेंगे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम एक और शेप ऐड कर लेते हैं, इधर से एक शेप उठाई ऐसे लिख लिया, इसका कलर चेंज करना है कर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट का कलर येलो करना है येलो कर लेते हैं, टेक्स्ट में इफेक्ट जो देना है वो इधर से कुछ भी उठा लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाला उठा लेते हैं। हम जब इसमें लिखेंगे तो इस तरह का हमें शो होगा। कोई भी आप लोगो वगैरह तैयार करते हैं, एक्चुअली लोगो मोनोग्राम ये इस तरह की कोई भी चीज़ें तैयार करने के लिए होता है। आप फ़र्ज़ करें आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं रखना तो आप क्या कर सकते हैं, कोई और लिख लें, ये देखें इसको आप लिखते जाएंगे तो इस तरह का आपका सर्कल में आता जाएगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप करना चाहें कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। इसके बाद लेट्स सपोज ये दो इमेजेस हैं, ये इसकी बैक पे चलेगी ये, तो हम क्या कर सकते हैं उसको फॉरवर्ड लेके आ सकते हैं, मतलब फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। फ़र्ज़ करें दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऊपर लेके आ सकते हैं फ्रंट पे। अगर हमने इसको ब्लू वाले को रेड वाली शेप के नीचे भेजना है तो क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड, ये पीछे चली जाएगी। मतलब दो शेप्स हैं, दो शेप्स में से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हों तो हमने जो भी शो करवानी है इधर से उसको फॉरवर्ड ले आएंगे, अगर नहीं करवानी शो तो इसको बैकवर्ड सेंड कर देंगे। तो ये एक्चुअली हमारी कुछ चीज़ें थी इसमें शेप्स में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये रोटेशन है, रोटेशन में आप क्या कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आज का जो था हमारा टॉपिक वो था क्लिप आर्ट पे, क्लिप आर्ट देखा हमने क्या होता है, इसके बाद फोटो एल्बम देखा फोटो एल्बम क्या होता है, इसके बाद हमने ऑनलाइन पिक्चर्स में जाकर देखा क्लिप आर्ट किधर से निकालते हैं, स्क्रीन शॉट देखा स्क्रीन शॉट क्या होता है, पिक्चर्स को देखा कैसे इनसेट करते हैं, शेप को देखा शेप्स कैसे करते हैं, उसको कलर कैसे चेंज करते हैं, उसका फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें देखी हैं इस टॉपिक में। तो इसकी प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा, कोई आप फ़र्ज़ करें अपने कोई मोनो बनाते हैं कोई लोगो बनाते हैं तो इसकी ट्राई के लिए बहुत बेस्ट है, ये आपकी ड्राइंग के लिए बहुत बेस्ट है। तो आज तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।